बजाज नगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले धनकरपुरा अत्रे लेआउट निवासी आकाश अशोक वर्मा उम्र 27 साल पर आरोपी राजू बेनी प्रसाद सिरसाव ने अपनी नाबालिग लड़की से मिलने के कारण आकाश पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर घायल किया है। आरोपी राजू बेनी प्रसाद सिरसाव और उसकी पत्नी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है, ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शुभांगी देशमुख इनके द्वारा दी गई है। बजाज नगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले धनकरपुरा परिसर निवासी आकाश अशोक वर्मा पर आरोपी राजू बेनी प्रसाद सिरसाव ने कुल्हाड़ी से हमला कर घायल किया है। हमला करने की वजह ऐसी है कि आरोपी के नाबालिग लड़की से छुपकर मिलने पर यह हमला क्या क्या है। धनगर बजाज नगर पुलिस स्टेशन के हद में धनकरपुरा जो बस्ती है वहाँ पे रहने वाले मसराम कुटुंब और जो आकाश वर्मा जो पीड़ित है उसका कुटुंब बस्ती में एक ही बस्ती में रहते हैं पास पास। आरोपी रजनी मसराम सॉरी मसराम नहीं सिरसाव है तो सर आरोपी रजनी सिरसाव और राजू सिरसाव इनकी अल्पवयीन लड़की दो दिन पहले घर में कुछ उसका और उसके भाई का झगड़ा हुआ था उस और दूसरे दिन भी झगड़ा हुआ उस कारण से उसने जख्मी युवक आकाश वर्मा को उसके मौसी के घर के पास में छोड़ने के लिए कहा था। जख्मी युवक ने एक दिन पहले घटना से एक दिन पहले अल्पवयीन लड़की को उसके मौसी के घर के पास में छोड़ा था और उसके बाद में ये बात और रात में फिर मौसी के घर के पास में मिलने को भी गया था जख्मी। ये बात का गुस्सा रखते हुए आरोपी पति पत्नी ने पीड़ित के घर जाकर पीड़ित से झगड़ा किया और उसके बाद उस पे जानलेवा हमला किया है। घायल आकाश अशोक वर्मा को परिजनों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती किया। पुलिस ने आरोपी राजू सिरसाव व उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही पुलिस करी है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।